Once again, good morning to all the students of Bright India Central School and all the students worldwide. I would like to say that please be at home, stay safe, and take care of yourself and your elder ones at home. The pandemic is still not over. I am Engineer Kumar Harshvardhan, and today I will be taking class on behalf of Bright India Central School, Rajdham Khagaria, one of the best schools in the district. So basically, we'll be going through the English, the chapter 3, that is the two stories about flying of class 10. So we will move on to the second part of this, because first part we have already studied, and you all, as I have already told you all, to kindly prepare the question and answers not only externally, that is from the back side of the book, but also internally from inside of the book, because CBSE is very much unpredictable in this sense. They will certainly ask you questions from inside of the book. So therefore you need to have in your subconscious mind, the back of your mind, that what you have read about all this thing, about the story in the book. So next one, we will move on to the second chapter, that is the black aeroplane. The black aeroplane doesn't mean the color of the aeroplane is black here. The black aeroplane doesn't mean the color of the aeroplane is black here. It only means that something unpredictable or something unusual had happened with the aeroplane, which should not actually happen. Hana? Something that should not actually happen, but something unusual that has happened with the aeroplane. And ऐसा कुछ जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन उस प्लेन के साथ ऐसा कुछ हुआ. इसलिए इसको हम कहते हैं the black aeroplane. इसलिए नहीं कहते the black aeroplane. सर ये काला हवाई जहाज है, है ना? मुझे नहीं लगता आप किसी ने आज तक दुनिया में काला हवाई जहाज देखा होगा. काला रंग इसलिए नहीं करते बिकॉज द ब्लैक कलर एब्जॉर्ब्स अ लॉट ऑफ हीट, है ना? अगर आप साइंस ठीक से पढ़े हैं पुराने क्लासेस में, अगर आप ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता है ब्लैक कलर एब्जॉर्ब्स ऑलमोस्ट ऑल द हीट, है ना? है ना? इसलिए क्या होगा, ज्यादा गर्म होता है. इसलिए काले रंग से पेंट कभी हम एरोप्लेन को नहीं करते. सो नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू दिस. द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी. द मून वॉज कमिंग, मून मतलब चंद्रमा मेरे पीछे आ रहा था. पीछे मतलब मेरे पीछे पीछे नहीं आता, मतलब आसमान ने मेरे पीछे की तरफ था. ईस्ट, ईस्ट मतलब अगर मैं वेस्ट की साइड हूँ तो वो ईस्ट के साइड था, है ना? पूरब की ओर था. बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी. और जो स्टार्स हैं वो क्या कर रहे थे, ग्लिटर कर रहे थे, शाइनिंग कर रहे थे, है ना? देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई. और आसमान पूरी तरह से साफ था, है ना? बिल्कुल ही वहां पे क्लाउड का कोई भी जो व्हाइटिश प्रेजेंस होता है वो बिल्कुल ही नहीं था. पूरा आसमान नीले रंग का पूरा साफ था. आई वॉज हैप्पी टू बी एलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. मैं अपनी पुरानी हवाई जहाज जिसका नाम है डकोटा, वो मैं उड़ा रहा था. कहाँ? आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस. फ्रांस के ऊपर से मैं जा रहा था, मतलब जहाज, मतलब अगर मैं 34,000 feet से उड़ रहा हूँ, इफ आई एम फ्लाइंग एट 34,000 feet, दिस इज नॉर्मल, है ना? प्लेन विच फ्लाइज, दिस इज नॉट द ऑल्टीट्यूड एट विच द प्लेन फ्लाई. ऑल्टीट्यूड एट विच द प्लेन फ्लाई. तो मेरे नीचे अगर आप जाएंगे ग्राउंड पे, तो क्या था मेरे नीचे ग्राउंड पे, क्या था? फ्रांस था, है ना? मेरे नीचे ग्राउंड पे क्या था? फ्रांस था. बेसिकली दो चीज होती है, एक होता है अप, एक होता है डाउन, है ना? अप मतलब जो ऊपर जाती है, मतलब अगर कोई नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है कोई प्लेन, तो इसको क्या करते हैं, इसको वो 34,000 feet रखते हैं. और कोई अगर साउथ डायरेक्शन में प्लेन जा रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लेन जा रही है, तो इसको अराउंड 33,000 feet, मिनिमम जो है 1,000 feet का गैप होना चाहिए दो प्लेनों के बीच में, है ना? मान लीजिए अगर एक प्लेन ये है, ये 34,000 feet पे जा रही है, नॉर्थ में जा रही है, कोई दूसरी प्लेन आ रही है, है ना, साउथ में जा रही है, तो इस दोनों के बीच की जो अंतर होगी, ये जो गैप होगा आपको, ये गैप इस दोनों के बीच का, वो मिनिमम 1,000 feet होना चाहिए, वरना उसमें प्रॉब्लम हो सकती है. टर्बुलेंस बहुत ज्यादा, और टर्बुलेंस मतलब हिलती है प्लेन बहुत ज्यादा, टर्बुलेंस हो सकता है, या फिर दुर्घटना भी हो सकती है. ठीक है, तो हमने देखा आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. फ्रांस में वापस इंग्लैंड जा रहा था. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विद माई फैमिली. मैं तब से यही मैं सोच रहा था जब मैं प्लेन में बैठा था, कि अब मैं अल्टीमेटली अपने फैमिली से मिलूंगा, अपने परिजनों से मिलूंगा, और फिर उनके साथ जो अपना वीकेंड जो है हॉलीडे स्पेंड करूंगा. आई लुक एट माई वॉच, मैंने अपने घड़ी को देखा. आई लुक एट माई वॉच, सॉरी 1:30 इन द मॉर्निंग. सुबह के 1:30 हो रहे थे, 1:30 AM हमारे लिए रात होता है क्योंकि हम सोते हैं, लेकिन एक्चुअली इट्स 1:30 AM.
आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल रूम। उसने बोला आपको पता है वो लोग लगाए रहते हैं यहाँ पे और वो कंट्रोल रूम से बातें करते रहते हैं, कितना डिग्री राइट कितना डिग्री लेफ्ट, कैसे जाना है, कितना ऑल्टीट्यूड मेंटेन करना है ना। तो ये सब उनकी बातें होते रहती है ग्राउंड कंट्रोल से। सो आई शुड कॉल पेरिस ग्राउंड कंट्रोल। उसने बोला अब मैं पेरिस ग्राउंड कंट्रोल को कॉल करता हूँ। आई थॉट एज आई लुक्ड पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, जैसे मैंने एरोप्लेन की आगे की जो नोज होती है इस तरह से बनी हुई नोज है ना, इसमें ये जो नोज होती है प्लेन की उसमें क्या होता है रेडियो ट्रांसमीटर लगा रहता है, रेडियो ट्रांसमीटर लगा रहता है इसी नोज में जो है आगे का जो सबसे आगे का सतह होता है ऐसे जो प्लेन, इसमें रेडियो ट्रांसमीटर होता है, यहीं से रेडियो सिग्नल रिसीव और सेंड करते हैं ठीक है। तो आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल रूम आई थॉट एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ इट। मैंने अपने सामने बहुत बड़ा शहर देखा जहां पे पूरे वो उसकी चमक दमक लाइटें आ रही थी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेट, मैंने अपना रेडियो को ऑन किया, वहां कंट्रोल पैनल पे एक स्विच होता है रेडियो को ऑन करते हैं एंड सेट पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हियर। तो उसने बोला पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 इज द फ्लाइट नंबर है ना। जब भी आप फ्लाइट में जाते हैं जैसे कि अभी जो दुर्घटनाग्रस्त हुई फ्लाइट आपका क्या कोझिकोड में, तो क्या उसका भी एक नंबर था वंदे भारत एक्सप्रेस ICX समथिंग नंबर था, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है। तो एक नंबर मतलब उससे आइडेंटिफाई करते हैं कि वो प्लेन कौन सी है, वो प्लेन कहां से कहां जा रही है। सो पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हियर, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं जो है इंग्लैंड की ओर जा रहा हूँ। ओवर है ना, ओवर बोलते हैं वहां पे, कॉपी बोलते हैं वहां पे है ना, वहां पे ये सब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कोई किसी ने अगर कंट्रोल रूम ने कुछ बोला उन्होंने अगर उसे ठीक से समझा तो उसे क्या बोलेंगे कॉपी है ना। तो ऐसे ऐसे शब्दों का वहां प्रयोग होता है, दीज आर जार्गन्स विच आर यूज्ड इन द एविएशन इंडस्ट्री। नॉर्मल लाइफ में ये सब शब्दों का मतलब कुछ अलग होता है। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, और उधर से मुझे तुरंत ही जवाब आया इमीडिएटली DS-088 आई कैन हियर यू। उधर से बोला यस DS-088 मैं आपको सुन सकता हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट, अब आपको क्या है अपनी प्लेन को 12 डिग्री वेस्ट की ओर घुमाना है। DS-088 ओवर। आई चेक द मैप एंड द कंपास, सामने मैप होता है कंपास होता है सब इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं। कभी आप बाद में स्कूल में आएंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा पूरा वो सिनेरियो कैसे फ्लाई करते हुए, वे मेरे पास पूरा उसका एक डॉक्यूमेंट्री है तो मैं आपको बताऊंगा कैसे प्लेन फ्लाई करते हैं। सो द वॉइस ऑफ द रेडियो के आई चेक द मैप एंड द कंपास स्विच्ड ओवर टू माय सेकंड एंड द लास्ट फ्यूल टैंक, और जो उसमें अलग अलग फ्यूल टैंक्स होते हैं कहाँ के होते हैं प्लेन में फ्यूल टैंक्स, जैसे अगर मान लीजिए ये प्लेन है ना, ये प्लेन है अगर तो इसमें यहाँ पे जो है विंग्स लगे रहते हैं, यहीं पे इनके फ्यूल टैंक्स रहते हैं, इसी विंग्स के ऊपर जो है इनके सीधा इधर फ्यूल टैंक्स लगे रहते हैं, विंग्स के ऊपर जो इनके फ्यूल टैंक्स इधर ही एग्जैक्ट इधर ही पूरे फ्यूल टैंक्स इनके लगे रहते हैं इधर है ना। तो क्या स्विच ओवर टू माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, और मैंने डकोटा को 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड घुमा दिया इंग्लैंड की ओर। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट, मैंने सोचा कि सुबह के नाश्ते के समय तो मैं उससे पहले या उस समय तक मैं इंग्लैंड लैंड कर जाऊंगा पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और अंग्रेज वहां जाके इंग्लिश ब्रेकफास्ट मतलब क्या, मतलब जो अंग्रेज लोग खाते हैं वो ब्रेकफास्ट वहां पे खाएंगे। Everything was going well. It was an easy flight. सब कुछ बिल्कुल समानांतर सिंपल जैसे जिस तरह से प्लेन में होना चाहिए उस तरह से सब कुछ चल रहा था। It was an easy flight. बिल्कुल जो आम जर्नी होती है हर तरह हर लोगों की फ्लाइट में वही उस समय उनकी भी चल रही थी। Paris was about 150 kilometers behind me. Paris जो है मेरे 150 किलोमीटर मेरे से और दूर था। When I saw the clouds, जब मैंने क्या देखा बादलों को देखा। Strong clouds मतलब बहुत भीषण जैसे कि आंधी तूफान आ रही हो। They were huge, वो बहुत बड़े थे, huge, humongous. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. वो मुझे ऐसे काले काले बहुत बड़े बड़े चट्टानों की तरह दिख रहे थे जो मेरे सामने ही बिल्कुल आसमान में हैं। I knew I could not fly up and over them. मुझे पता था कि मैं उनके बीच से या उनके ऊपर तो मैं नहीं जा पाऊंगा है ना। And then I did not have enough fuel to fly अराउंड देम टू द नॉर्थ और द साउथ, और मुझे बिल्कुल कंप्लीट नॉर्थ या कंप्लीट साउथ का एक टर्न लेना भी मुझे पॉसिबल नहीं, क्योंकि देखिए क्या होता है प्लेन में, प्लेन का भी एक अपना एक एरोडायनेमिक होता है। एरोडायनेमिक का मतलब ये होता है कि प्लेन की अपनी एक क्षमता होती है कि किस क्षमता पे वो उड़ सकता है, कितनी ऑल्टीट्यूड पे वो उड़ सकता है, कितनी हाइट मेंटेन कर सकता है, कितनी उसकी फ्लैप्स टर्न ओवर कर सकती है, कितने डिग्री पे वो
प्लेन जो है ऐसा अगर जा रहा था कितने डिग्री पे वो टर्न कर सकता है अचानक से प्लेन, ये सब उसकी एरोडायनेमिक्स उसकी एक कैपेबिलिटी होती है कि इससे ज्यादा आप प्लेन को नहीं टर्न कर सकते। जैसे कि अगर एक नॉर्मल प्लेन अगर आप लेंगे, आप इसको मोर देन जो है अगर आप इसको ये मानेंगे मोर देन 45 डिग्रीज, नॉट मोर देन 45 डिग्रीज, एक प्लेन को आप 45 डिग्री से ज्यादा टर्न नहीं कर सकते हैं, है ना। अगर आपने उससे ज्यादा किया तो क्या होगा, प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। उसकी एरोडायनेमिक ही वैसी नहीं है, उसकी बनावट ही वैसी नहीं, कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उसे मोर देन 45 डिग्री पे टिल्ट कर दे उस प्लेन को, है ना। ऐसी बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं पहले भी। अगर आप नेट जियो कोई देखता है तो उसे पता चलेगा कि एक डिजास्टर्स करके एक शो आता है वहां पे, उसमें बताते हैं कैसे होता है। तो कई सारे प्लेन जो फॉरेन में ऐसे ऐसे दुर्घटनाएं हुई क्योंकि प्लेन को क्या है मोर देन 45 डिग्री के एंगल पे जो है आपने उसे टर्न किया, तो प्लेन क्या, प्लेन रोल ओवर हो जाता है, प्लेन जो है रोल ओवर हो जाता है, है ना। तो आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे वापस पेरिस जाना पड़ेगा, आई थॉट, बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मुझे घर जाना था क्योंकि जो 150 किलोमीटर चल के आया था तो वापस वो पीछे पेरिस नहीं आना चाहता, पेरिस जो है उसके 150 किलोमीटर पीछे ऑलरेडी रह चुका था। अब वो पेरिस से इंग्लैंड जाना चाहता था जो आगे उसका घर था, लेकिन क्योंकि इतनी ज्यादा टर्बुलेंस थी, इतने ज्यादा क्लाउड्स थे, है ना, और इतनी ज्यादा हैवी स्ट्रॉम था, तो क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग में प्लेन नहीं जा सकता है, उसके बहुत सारे कारण होते हैं, मैं आपको सब कुछ यहाँ पे अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत समय लगेगा इसमें, है ना। तो उसने सोचा वापस तो मैं पेरिस नहीं जाना चाहता हूँ, आई थॉट, बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना था। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे सुबह का ब्रेकफास्ट किसी भी हालत में वहां करना था। आई विल टेक द रिस्क, उसने बोला चलो मैं रिस्क लूंगा, जो होगा मेरी जिम्मेदारी है, अमूमन ये पायलट की ही जिम्मेदारी होती है, है ना। अगर गलती पायलट की है तो, अगर कंप्यूटर्स की फॉल्ट नहीं है, इंजन की फॉल्ट नहीं है, तो अमूमन पायलट की ही फॉल्ट होती है। और बहुत सारे दुर्घटनाएं पायलट के ही फॉल्ट से होते हैं, क्योंकि अगर आप वहाँ के उसके कंप्यूटर सिस्टम्स को देखें तो बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं और वो बहुत जल्द खराब नहीं होते, मतलब रेयर चांसेस है कि वो फेल कर जाए। सो आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इन द स्टॉर्म, मैंने उस प्लेन को सीधे स्टॉर्म से चीरते हुए निकाला। इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, और मुझे सामने सब कुछ काला दिख रहा था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द प्लेन, मतलब एरोप्लेन के बाहर कुछ भी दिखना पॉसिबल नहीं था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प एंड ट्विस्टेड इन द एयर, बाउंस इसको बोलते हैं टर्बुलेंस, जो जम्प एंड ट्विस्ट वो बात बोल रहा है, इसको एविएशन की भाषा में बोलते हैं टर्बुलेंस, प्लेन ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे करेगा, टर्बुलेंस होता है। आई लुक एट द कंपास, मैंने कंपास की ओर देखा, सामने जो कंपास लगा हुआ जो डायरेक्शन बताता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ साउथ नॉर्थ वेस्ट ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट, ये आई कुडंट बिलीव माई आईज, मैं अपनी आंखों पे भरोसा नहीं कर पाया। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, और कंपास जो वो गोल गोल घूम रहा था वो उसे डायरेक्शन ही नहीं बता पा रहा था, क्योंकि इतनी ज्यादा टर्बुलेंस थी वहां पे कि वो उसे डायरेक्शन ही नहीं बता पा रहा था, वो गोल गोल घूम रहा था। आई वॉज डेड, इट वॉज डेड, मतलब कंपास खराब हो चुका था, मतलब ये नहीं कंपास मर गया, कंपास खराब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, वो काम नहीं कर था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वेयर सडनली डेड टू, आई ट्राइड द रेडियो, और बाकी और भी बहुत सारे उपकरण जो है वो खराब हो गए थे। फिर उसने रेडियो को कॉन्टेक्ट करना शुरू किया, पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, उसने बोला जो उसके 150 किलोमीटर पीछे था पेरिस कंट्रोल, जो नियरेस्ट कंट्रोल टावर था, उसने बोला पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी। एक शब्द होता है जो एविएशन इंडस्ट्री में यूज करते हैं, अगर कोई इमरजेंसी आती है तो बोलते हैं मेडे मेडे मेडे, है ना। अगर मान लिया कोई इमरजेंसी आई, प्लेन को इमरजेंसी में लैंड करना पड़ा, तो एक शब्द वहां वो लोग प्रयोग करते हैं, इसका नाम है मेडे मेडे मेडे। देयर वाज नो आंसर, वहां से कोई जवाब नहीं था। द रेडियो वाज डेड टू, और रेडियो भी बिल्कुल खराब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। अब ना तो उसके पास कोई भी उपकरण काम नहीं कर रहे थे, ना तो रेडियो काम कर रहा था, ना तो उसका और अलग दूसरा दूसरा इंस्ट्रूमेंट जैसे टीकैस हो गया, आपको आईएएस हो गया, आईएएस वो डिवाइस होता है जिससे कि वो लोग वहाँ पे उसका ये चेक करते हैं कि कितनी स्पीड से, ये कितनी जो बेसिकली स्पीड होती है आपकी हवाई जहाज की, आईएएस नाम की, है ना। ये आईएएस नहीं जो यूपीएससी करते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, वो नहीं, वो अलग आईएएस होता है, है ना, जो उसकी स्पीड नापती है। और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, टीकैस होता है, फ्लैप्स होते हैं, तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, ये सब इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर दिया। देन इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर प्लेन, और तभी मैंने अपने पास काले धुंधले से क्लाउड में एक और प्लेन को देखा।
इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसके विंग्स पे कोई लाइट नहीं था। अमूमन क्या होता है प्लेन पे लाइट से लाइटें होती है, एक यहाँ लगा रहता है लाइट, एक यहाँ भी शायद लाइट लगी रहती है प्लेन पे, और फ्लैप्स पे भी लाइट लगी रहती है प्लेन, है ना, ताकि अगर कोई भी कंजेशन हो या फिर कोई भी ट्रैफिक ज्यादा हो तो आने वाले प्लेन को भी पता चले कि वहां पे प्लेनें जा रही हैं। सो इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग्स बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं उसे देख पा रहा था कि वो मेरे बगल से उड़ रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैंने पायलट का फेस उसमें मैं इतना एबल था वहां पे देख, इतना मतलब क्लियरेंस था देखने का कि मैं कम से कम उसकी पायलट के फेस को उसके चेहरे को देख पा रहा था। टर्न टूवर्ड्स मी, जो मेरी और बुरा था, आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मुझे जो है दूसरे लोग को देख के बहुत ही अच्छा लगा। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव, उसने एक हाथ उठाया और ऐसे ऐसे वेव किया, अमूमन ऐसे नेताजी वेव करते हैं। फॉलो मी ही वॉज सेइंग, फॉलो मी, उसने कहा फॉलो मी, मेरे साथ चलो, है ना, फॉलो मी। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, उसे पता है कि मैं गुम हो चुका हूँ, क्योंकि मेरे पास अब कोई इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहा, मुझे पता नहीं है कितने डिग्री पे मुझे उड़ना है, क्या ऑल्टीट्यूड मुझे मेंटेन करना है, है ना, तो अब मेरे पास कोई यंत्र नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहा है, तो अब मुझे क्या करना है, बेसिकली आई एम इन अ ब्लाइंड स्पॉट, अब मुझे पता नहीं है कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, किस तरफ मैं जाऊँगा, क्या मुझे कितनी दूरी पे जमीन मिलेगी, क्या जो लास्ट फ्यूल मेरे फ्यूसलाज में बचा हुआ है क्या मैं उसे लैंडिंग सेफ कर पाऊंगा, तो ये सब उसे कुछ नहीं पता है। तो उस प्लेन वाले ने कहा इसे फॉलो मी, ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, और उसे ये लगा कि वो जो है मेरी मदद करना चाहता है ना, ही थॉट दैट आई एम लॉस्ट, और उसे ये लगा कि वो मेरी मदद करना चाहता है। जो ये जो प्लेन्स वगैरह उड़ाते हैं पायलट्स वगैरह, इनको बहुत ही रिगरस ट्रेनिंग दी जाती है, और प्लस इसमें फ्लाइट इंजीनियर्स होते हैं जो लोग एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, ये अलग विभाग है इंजीनियरिंग का, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, तो उन्हें जैसे कंप्यूटर साइंस होता है, आईटी इंजीनियरिंग होता है, मैकेनिकल होता है, सिविल होता है, वैसे ही एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग विभाग होता है जहां पे आप प्लेन्स के बारे में पढ़ते हैं, प्लेन्स के रख रखाव, उनके कामकाज के बारे में पढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। इंडिया में उसका स्कोप बहुत ही कम है, लेकिन अगर आप विदेश जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, तो वहाँ पे स्कोप उसका बहुत ज़्यादा है। इंडिया में थोड़ी स्कोप कम है, और उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज उतनी इंडिया में नहीं दी जा पाती जितनी होनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए आपको उसके लिए एक फिजिकल प्लेन होने की ज़रूरत है, एक फिजिकल प्लेन या तो आपके पास होना चाहिए, या तो फिर आपके पास एक सेटअप होना चाहिए जो एयरबस वगैरह के पास होता है, जो हमारे एरोप्लेन्स जो बनाते हैं, एयरबस है, बोइंग, ये दो मेजर कंपनीज है, एयरबस और बोइंग, जो प्लेन्स बनाती है इस दुनिया के लिए, तो उनके पास एक सिमुलेटर होता है, इसे बोलते हैं हम सिमुलेटर बोलते हैं, उसमें क्या है आपको बैठा के पायलट को वहां ट्रेनिंग दी जाती है, जब वो पहली बार प्लेन उड़ाने जाता है उसके पहले उसे वहां बैठा के ट्रेनिंग दी जाती है, और उसे ऐसा प्रतीत होता है, उसे ऐसा फील होता है कि वो सही में किसी हवाई जहाज में बैठा हुआ है, तो और उसे वहां सिखाया जाता है, तो वहां अगर वो उसकी प्लेन दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाती है तो वहां कुछ नहीं होता है, बस उसे पता चलता है कि मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैंने गलतियां की हैं जो मुझे सुधारनी पड़ेंगी, तो ऐसे उन लोगों को वहां पे फ्लाइट सिमुलेटर में बैठा के जो है उसे उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसी प्रकार से जो है बहुत ही रोचक चीज है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, बहुत ही मनमोहक चीज है, बहुत अच्छा है अगर आप इसके बारे में जानेंगे। तो बेसिकली जब आप स्कूल आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास पूरी डॉक्यूमेंट्री है कि ये कैसे होता है, प्लेन की एक पार्ट से लेके कैसे ये उड़ता है, किस कितनी स्पीड चाहिए इसे उड़ने के लिए, कितनी इसकी जो गति होनी चाहिए, जिसको हम बेसिकली थ्रस्ट बोलते हैं, जो हम फोर्स बोलते हैं, जो बेसिकली थ्रस्ट, हम फिजिक्स में पढ़े हमने थ्रस्ट पढ़ा है, बेसिकली थ्रस्ट बोलते हैं कितना थ्रस्ट चाहिए कि ये टेक ऑफ कर जाए लैंड से। तो बेसिकली इन सब चीज़ के बारे में हम लोग जब आप आएंगे तो हम देखेंगे, बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे आप, क्योंकि सितंबर में आपकी स्कूल एक खुलने वाली है अनलॉक 3 में, वो पार्ट बाई पार्ट खुलेंगी, वो सरकार अपने नियम कानून निकालेंगे और बताएंगे। तो टिल देन मैं आपको बोलता हूँ, ये जो मैंने आपको आज पढ़ाया है कृपया इसे ध्यान से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, और बिल्कुल मैंने आपको आसान भाषा में समझाया, और ये बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है एक्चुअली में, ये इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है, अगर आपको इंग्लिश में रुचि है, ठेठी में ना है, अगर इंग्लिश में रुचि है, और अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे हैं हमारे स्कूल में जो इंग्लिश में मुझसे इंटरेक्ट करते हैं, है ना, कुछ बच्चे हैं, मैं उनका नाम आपको नहीं बता सकता, लेकिन वो इंग्लिश में इंटरेक्ट करते हैं और बोलने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छा नहीं बोल पाते लेकिन बोलने की कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक बोल लेते हैं। तो ये जिल आपके पास होना चाहिए, ये आपके पास अंदर से ये एक जो है हमेशा एक सीखने की आपके पास जो है अंदर से एक जागरूकता होनी चाहिए कि मैं कुछ सीखूंगा, कुछ नया सीखूंगा, आज चलो आज कुछ नया सीखते हैं, है ना, हर रोज कुछ नया सीखेंगे, हर आपको दूसरे से कम्पीट नहीं करना है, आपको अपने आप से हर रोज बेहतर बनना है, आज मैंने क्या किया, क्या मैं कल इससे बेहतर हो सकता हूँ, तो आपको इस तरह से अपने आप से कम्पीट करना है, अगर आप अपने आप से कम्पीट कर पाएंगे तो बेसिकली आप दुनिया से भी कम्पीट कर पाएंगे। आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, जब
शाहरुख खान को हमारे क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू मिले वहाँ पे, क्या उसे मुंबई में मिले, तो उसने तो नवजोत सिंह सिद्धू ने शाहरुख खान से पूछा था कि ए शाहरुख, ना तो तेरा पिताजी फिल्म इंडस्ट्री में, ना तेरा फैमिली फिल्म इंडस्ट्री में, ना तेरा दादा फिल्म इंडस्ट्री में, तेरा कोई नहीं फिल्म इंडस्ट्री में, तू कैसे करेगा, हाउ विल यू डू इट। तो उसने एक ही जवाब दिया था कि सिद्धू सर, आई हैव टू कम्पीट विथ माई सेल्फ ईच एंड एवरी डे, इफ आई एम एबल टू कम्पीट माई सेल्फ एंड इफ आई एम एबल टू इम्प्रूव माई सेल्फ ईच एंड एवरी डे, मुझे और किसी की परवाह नहीं है, मैं कर लूंगा और कईयों से बहुत बेहतर कर लूंगा। और आज शाहरुख खान आपके सामने, आप सब जानते हैं उसे, है ना। तो बेसिकली आपको अपने आप से बेहतर होना है, हर रोज अपने आप में ये करना, और कंप्लेन करना बंद कीजिए, ई नहीं हो रहे, ऊ नहीं हो रहे, ई के ना होते, नहीं कंप्लेन करना बंद कीजिए, सॉल्यूशन ढूंढिए चीजों का, कंप्लेन सबके पास है, तो फिर आपके में और एक गवार में कोई अंतर नहीं आ जाए, जो पढ़ा लिखा नहीं उसके पास भी कंप्लेन है। तो कृपया चीजों को इस तरह से कीजिए, ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा कुछ अच्छा, अगर आपको पता है कि शायद वो वहां पे कुछ गलतियां हो सकती है, कुछ खराबियां हो सकती है, फिर भी पॉजिटिव रहिए कि नहीं उसके बाद तो उसको ठीक कर लेंगे। तो इस तरह से जो है आपको मोटिवेशन भी मिलता रहेगा, आप आगे भी बढ़ते रहेंगे। तो अगेन फॉर टुडे आई थिंक इट्स मोर देन इनफ, सो आई वुड लाइक टू से टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी सेंट्रल स्कूल अराउंड स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड, थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी। सो फॉर टुडे आई विल बी साइनिंग ऑफ, आई एम इंजीनियर कुमार हर्षवर्धन ऑन बिहाफ ऑफ प्राइमरी सेंट्रल स्कूल राजधाम खगड़िया, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली।